नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुकराम, बात करते हैं अर्णव गोस्वामी के बारे में। अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत के बड़े एंकर, बड़े पत्रकार, एक तरह से कहा जाए तो मालिक भी वही हैं। आजकल उनके चैनल से पत्रकार, एंकर और तमाम तरह के टेक्नीशियन जॉब छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं कि हमें बख्श दो और हमें जाने दो। ऐसा क्यों हो रहा है? देश का नंबर वन चैनल साबित करने वाले अर्णव गोस्वामी के चैनल से आखिर लोग भाग क्यों रहे हैं? क्या हो गया ऐसा उसके चैनल के अंदर? आपको पता ही है कि अगर उसका कोई चैनल देख ले और जिसका बीपी डाउन जाता है, सिर्फ 2 मिनट देख ले तो बीपी अप चला जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि उसके 3 बड़े एंकर और उसके अलावा तमाम 15 उसके यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। इन 3 बड़े एंकर्स में जो नाम है, एंकर निधि चतुर्वेदी, रवि मिश्रा और आशुतोष चतुर्वेदी, इन लोगों ने नौकरी छोड़ दी है, अपना त्याग पत्र भेज दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया है कि हमें बख्श दो। ये सब हो रहा है एक ऐसे बॉन्ड के कारण जिसे अर्णव गोस्वामी हाल फिलहाल लेकर आए थे, और उस बॉन्ड के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो कोर्ट में चले जाए तो एक केस और हो सकता है उनके ऊपर। मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन हो सकता है। जिस तरह की चीजें उसमें हैं, एक तरह से गुलामी का बॉन्ड अगर कहा जाए तो वो सीधा है। मैं आपको वही बताऊंगा क्योंकि खबर की असली वजह वही है और इन लोगों की नौकरी छोड़ने की असली वजह भी वही है। अर्णव गोस्वामी हाल फिलहाल एक ऐसा बॉन्ड लेकर आए थे जो 50 पन्नों का था। इसमें जो खास बातें हैं जिसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह है कि अगर कोई नौकरी छोड़ेगा तो 6 महीने पहले नोटिस देगा, 6 महीने पहले, और अगर 1 महीने पहले नोटिस देता है तो जो बाकी 5 महीने की सैलरी है ना, वो आपको वापस देनी पड़ेगी। इसके अम्बे बाप का राज चल रहा है। उसके अलावा अगर नोटिस पीरियड नहीं पूरा किया तो 6 महीने की सैलरी पूरी देनी होगी, यानी कि अगर नोटिस पीरियड के दौरान गायब हो गए तो फिर 6 महीने की दो, और अगर 1 महीने पहले नोटिस दिया तो पिछले 5 महीने की दो, यानी कि फिलहाल नौकरी आप छोड़ ही नहीं सकते। हालात ऐसे बना देंगे, क्योंकि अगर आप अभी नोटिस दोगे तो फिर 1 महीने का, 2 महीने का, तो फिर आप नौकरी कहीं और नहीं कर सकते, और आपने कहीं नौकरी पकड़ लिया तो 7 महीने से पहले आप वहाँ नहीं जा सकते, तो वो आपका इंतज़ार क्यों करेगा, वो किसी और को रख लेगा। तो इन्होंने इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक जो सबसे ख़तरनाक चीज़ जिसमें कही है, अगर किसी को कंपनी से टर्मिनेट किया गया, यानी कि यहाँ से बर्खास्त किया जाता है, तो वो दूसरी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकेगा, वो भी पूरे 1 साल तक। कोई भी गलती होने पर कर्मचारी खुद जिम्मेदार होगा, उसे अपना केस स्वयं लड़ना पड़ेगा, कंपनी यानी कि चैनल उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। अब जो लोग बेचारे ज़रूरतमंद हैं, जॉब कहीं और नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कुछ नेगेटिविटी भी मार्केट में है, कुछ ऐसे संस्थान जो इनमें काम करते हैं जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, वो बेचारे कहीं और जा नहीं सकते तो मजबूरी में कुछ साइन करें, लेकिन जिनका ज़मीर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़िंदा था या प्रेशर में जॉब नहीं कर सकते, उन्होंने नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया, उस एग्रीमेंट से बच रहे हैं और जॉब छोड़कर भाग रहे हैं। तो ऐसे में अर्णव गोस्वामी का जो चैनल है वो कहां पहुंच जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 50 पन्नों का एक एग्रीमेंट ले आए भाई साहब। अंग्रेजों से भी खतरनाक चीजें हैं कि नौकरी छोड़ोगे तो सैलरी वापस दोगे, और अगर बर्खास्त हम करेंगे तो कहीं 1 साल तक नौकरी नहीं कर सकेंगे। पूरा का पूरा एग्रीमेंट भराने की तैयारी चल रही है, और कुछ लोग भर भी रहे हैं, और जिन्हें पसंद नहीं आया वो नौकरी छोड़ रहे हैं। तो ये अर्णव गोस्वामी के चैनल का हाल है। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, इनके इस एग्रीमेंट पर कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।